इधर बीजापुर में 33 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जनताना सरकार के 33 नक्सलियों ने हार्डकोर नक्सलियों पर प्रताड़ना के आरोप इन्होंने लगाए हैं। बीजापुर एसपी के सामने इन्होंने हथियार डाले हैं। कई जगह इन्होंने आइडियल प्लांट किया था, कई जगह इन्होंने रोड काटा है, कई जगह आगजनी किया है, तो इन सब घटनाओं में शामिल थे। अब धीरे धीरे और भी इनके बारे में और हम लोग जब पूछताछ करेंगे तो और कुछ पता चलेगा कि किन किन घटनाओं में शामिल थे। और इसका फलस्वरूप ये मिल रहा है कि लोगों को अब जानकारी मिल रही है, जैसे कि हम शुरुआती तौर पर 25,000 रुपये का इनको एक राशि देते हैं इनिशियली उनको स्टेबल करने के लिए। उसके बाद जितनी इनाम राशि होती है वो कुछ समय पश्चात इनको दिया जाता है। इसके बाद इनके पुनर्वास के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ये अगर गाँव से बाहर रहना चाहते हैं तो उनकी भी एक व्यवस्था की जाती है। तो कुल मिलाकर इनको अगर मुख्यधारा से जुड़ना है तो उनके लिए सभी संभावित प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा मदद किया जाता है ताकि ये मुख्यधारा से जुड़ सके और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, नक्सलियों और डीआरजी जवानों में मुठभेड़। कोंटा के किद्रेलपाड़ इलाके में मुठभेड़ चल रही है, एक नक्सली के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, डीआरजी के जवान पहुंचे हुए थे और ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया। कोंटा के किद्रेलपाड़ इलाके में यह मुठभेड़ हुई है, एक नक्सली उसमें ढेर किया गया। एसपी किरण चव्हाण ने इसकी पुष्टि की है। और अब टॉप 20।